तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? घर पर सब ठीक है ना? कहीं कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ? सब अपनी जगह पर ही है ना? आपको लग रहा होगा आज सैम को क्या हो गया? वो ये सब क्यों पूछ रहा है? क्या करें, दुनिया में क्राइम इतना बढ़ गया है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं चोरियां। अरे चोरियों से याद आया कि आज की वीडियो भी तो चोरियों के ऊपर ही है। वो भी कोई आम चोरी नहीं, ये कुछ ऐसी चोरियां हैं जो दिखने में मिशन इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन इन खतरनाक और माहिर चोरों ने इस मिशन इम्पॉसिबल को मिशन पॉसिबल करके दिखाया। कैसे, ये देखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। और वीडियो देखने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना। नंबर एक, फार्मेसी से $1 मिलियन की चोरी। तो आपको टॉपिक में दिख गया होगा कि ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं, बल्कि $1 मिलियन यानी कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए की चोरी है। अगर इस वीडियो को कोई चोर देख रहा है तो उससे तो अंदर से अलग ही मोटिवेशन आ गई होगी, लेकिन हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देते भाई साहब, इसलिए अपना मोटिवेशन डाउन करो। लेकिन फिर भी जो भी चोर किसी फार्मेसी से चोरी करने का सोचे, उससे ज्यादा समझदार मैं किसी और को नहीं समझता, क्योंकि फार्मेसी में बेचे जाने वाली दवाइयां काफी कीमती हो सकती है और इन दवाइयों को आसानी से दुगने दामों में बेचा जा सकता है। और ये चोर इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम फार्मेसी में जाएंगे और वहां की सारी दवाइयां उठा के ले आएंगे। 31 दिसंबर 2015 को इन चोरों ने सुबह 6 बजे एक फार्मेसी को अपना टारगेट बनाया। इन्होंने फार्मेसी के पीछे वाली खिड़की को तोड़ा, मोशन सेंसर को धोखा देते हुए किसी तरह से फार्मेसी के अंदर घुसे और फार्मेसी से सारी महंगी दवाइयां हड़प ली। एक चोर ने तो वहां रखी सेफ पे भी धावा बोल दिया, उसने सेफ को तोड़ा और उसके अंदर रखी गई चीजें भी उठा ली। ये सब आराम से 2 घंटे के अंदर करने के बाद ये चोर रफू चक्कर हो गए और कभी पकड़े भी नहीं गए। टैलेंट देख रहे हैं आप। नंबर दो, एप्पल स्टोर में चोरी। अब ये बात तो कोई नई नहीं है कि एप्पल की इंडिया में कितनी डिमांड है, लेकिन कई बार डिमांड में रहना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि सब आप ही के पीछे हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ एप्पल के साथ हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कैलिफोर्निया में दिन की रोशनी में करीब 50 लोगों के सामने कुछ बंदे एप्पल स्टोर के अंदर घुसे और एप्पल की कई सारी चीजें अपने साथ उठाकर ले गए। बाकी लोग इधर उधर भागने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। ये सभी लोग डरे हुए थे, क्यों, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उनमें से काफी कस्टमर तो यही समझ रहे थे कि ये उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था प्रैंक उनके साथ नहीं बल्कि उस स्टोर के मालिक के साथ हो चुका है, वो भी ऐसा प्रैंक जो उन्हें महंगा पड़ जाएगा। आखिर में सभी चोरों ने आराम से एप्पल के बहुत से गैजेट्स उठा लिए, जो कि तकरीबन $30,000 के बराबर थे। भारतीय रूपों में देखोगे तो 21 लाख रुपए बनते हैं। लगता है एप्पल वालों को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एप्पल जितना पैसा हमसे लूटता है उससे ज्यादा लुटवा देगा। नंबर तीन, एटीएम की चोरी। एटीएम की चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बाहर ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत बड़ा केस है। हालांकि एक एटीएम को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, फिर भी ये चोरियां कैसे हो रही है हम बताते हैं। वैसे एटीएम को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एटीएम को फोड़ना बहुत आसान होता है। ऐसा ही कुछ शातिर चोर करते हैं। साफ बात है भाई, इतनी मेहनत कौन करेगा, एक बम लेकर आओ और बूम। लेकिन ये करना भी कोई आम बात नहीं है, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। प्लोजन कुछ ऐसे तरह से होना चाहिए जिससे एटीएम का टेम्परेचर ना बढ़े और साथ में एटीएम के अंदर रखे पैसों का नुकसान भी ना हो। एटीएम का टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि अगर एटीएम का टेम्परेचर बढ़ता है तो एटीएम खुद ब खुद एक वार्निंग मैसेज सिक्योरिटी कंपनी को भेज देता है, और अगर ऐसा हुआ तो साफ बात है चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए चोर गैस एक्सप्लोजिव का यूज करते हैं, जिसमें आग नहीं निकलती और टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता। तो आप देख सकते हैं चोरी करना भी कितनी मेहनत का काम हो सकता है। इस वीडियो में जो चोर थे वो इतने फास्ट थे कि किसी भी तरह से उनको पकड़ना नामुमकिन था, और जैसे एटीएम के अंदर आए उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही एटीएम को खाली कर दिया। नंबर चार, जेसीबी से एटीएम को चोरी करना। अब एटीएम की चोरी का लेवल एक स्टेप ऊपर आता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चोरी नहीं है बल्कि इसमें तो पूरा का पूरा जेसीबी मशीन ही इस्तेमाल हुआ। ये चोरी नॉर्दर्न आयरलैंड में हुई, लेकिन एक जेसीबी से एटीएम की चोरी करना ये कैसे मुमकिन है? अजी, ये होने को तो कुछ भी मुमकिन है, बस ट्राई करके देख लो। और चोर तो बहुत ही डेयरिंग थे जिन्होंने इस काम को अंजाम भी दे दिया। ये क्रिमिनल बिल्कुल हीरो की तरह आए और हीरो की तरह चल दिए, और साथ में लेकर गए पूरा का पूरा एटीएम। इन्होंने एटीएम के अंदर किसी मशीन को तोड़ने की मेहनत ही नहीं की। इन्होंने सोचा तोड़ने का काम बाद में करेंगे, पहले पूरा पेटीएम ही उठा लेते हैं।
घर जाकर आराम से मशीन खोलेंगे। भैया मुझे तो ये बहुत गुंडों वाला काम लगा। ये होते हैं ना असली गुंडे जो बोलकर आए थे कि हम तो पूरा एटीएम लेकर आएंगे, किसी के बाप में दम हो तो रोक कर दिखाएं। उन्होंने किया भी ऐसा, उन्होंने पूरा का पूरा एक एटीएम ही उठा लिया, वो भी सिर्फ एक जेसीबी मशीन से। इन्होंने जेसीबी मशीन से एटीएम की दीवार तोड़कर अंदर के एटीएम को उठाया और अपने वैन में अंदर डाल दिया। उसके लिए उन्होंने स्पेशल अपनी वैन के ऊपर वाली छत को पहले ही कटवा दिया था। तो आप देख रहे हैं कितनी प्लानिंग प्लांटिंग से इन्होंने चोरी को अंजाम दिया। अरे मुझे भी नई नई चीजें देखने को मिल रही है भाई साहब, मैं भी हैरान हो गया। नंबर 5, टेस्ला की चोरी। अजी ऑडी बीएमडब्ल्यू की छोड़िए, हम सीधा बात करते हैं टेस्ला की, क्योंकि हम है भाई हाई लेवल के, हमें छोटी मोटी गाड़ियों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जाना है सीधा टेस्ला पर। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी की चोरी, मुझे सीरियसली देखना है ये चोरी कैसे हुई, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम। सब जानते हैं गाड़ियों में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी को छू भी लेते हैं तो वो उई मा करने लगती है। लेकिन इस वीडियो में देखिए कैसे ये दो चोर टेस्ला की सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देते हैं और आराम से इसके अंदर घुस जाते हैं। फिर भैया गाड़ी लो और भागो। घर के अंदर बैठे गाड़ी के ओनर को भनक तक नहीं लगती और ये दो चोर गाड़ी को आराम से उसकी पार्किंग से निकालते हैं, टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। बाद में ओनर को इतना सदमा लगा कि उसने खुद ही इस चोरी की घटना को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। वो इतना हैरान था कि कैसे इतनी महंगी गाड़ी को इतनी आसानी से चोरी किया जा सकता है। लेकिन शायद टेस्ला की चोरी करना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसके ऑनर को लग रहा था, क्योंकि टेस्ला की एक खूबी है, अगर उसकी गाड़ी की चाबी उसके पास होती है तो वो खुद ब खुद खुल जाती है। यानी कि अगर टेस्ला का कोई मालिक है तो उसे किसी भी तरह का बटन दबाने की जरूरत नहीं है। अगर उसका मालिक गाड़ी की चाबी लेकर उसके सामने तक जाता है तो वो अपने आप ओपन हो जाती है। और इसी तरह का कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उन दो चोरों ने डुप्लीकेट करके बनाया होगा और गाड़ी अपने आप खुल गई। इन चोरों का दिमाग किसी बड़े हैकर का रहा होगा, जैसे फोन हैक होता है ना, इन्होंने वैसे ही गाड़ी की चाबी को हैक कर लिया। पर छह, ड्रेस के अंदर टीवी। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपने आज तक ऐसी चोरी नहीं देखी होगी। इस औरत को देखो, जब उसे लगा कि आसपास से कोई उन्हें नहीं देख रहा है तो उसने पूरा का पूरा टीवी अपनी बहुत सुंदर सी ड्रेस के अंदर छुपा लिया। इतने बड़े टीवी को छुपाने के लिए औरत आराम से चल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन ऐसा टैलेंट कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, यही तो है असली चोर की खासियत। नंबर 7, स्कर्ट में गहने। मुझे तो लगता आदमियों से ज्यादा चोरी करने के मामले में औरतें स्मार्ट है। अब इस औरत को देख लो, जब इसकी दो दोस्त एक गहने की दुकान पर काम करने वाला का ध्यान भटका रही थी तभी चुपके से ये औरत अपनी स्कर्ट के अंदर बहुत से गहने छुपा लेती है। और वो भी बताए कितने कीमती गहने, $60,000 यानी कि 42 लाख के गहने। नंबर 8, ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक की चोरी। बात करते हैं एक टिपिकल फिल्मी चोरी की जिसमें एक चोर आकर किसी बैंक पर ही डाका डालता है। ऐसा ही कुछ ब्राजील में हुआ। इन चोरों ने ब्राजील के सेंट्रल बैंक में चोरी संडे के दिन की, लेकिन इस चोरी को प्लान करने में उनको कई महीने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक घर किराए पर लिया जो कि बैंक के काफी सामने था। उसके बाद उन्होंने अपने घर के बैंक तक एक पूरी गुफा बना डाली। ये चोर कोई आम चोर नहीं थे, इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग की नॉलेज भी रखी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने आसानी से बैंक के अंदर तक गुफा बना ली, बैंक से चोरी की, वहां से सारे पैसे उठाए और मालामाल हो गए। और यही नहीं, इनकी पहुंच तो देखो, इन्होंने एक इंसान को भी पटा रखा था जो पहले से उसी बैंक में काम कर रहा था, जिसने उसकी मदद की। देखा जाए तो पूरा प्लान किसी फिल्मी सीन की तरह हुआ जिसे अंजाम भी इसी तरह दिया गया। नंबर 9, हैटन गार्डन डिपॉजिट की चोरी। इतिहास की सबसे खतरनाक चोरियों में से एक हो सकती है, क्योंकि 2014 में कुछ बुड्ढे लोगों की गैंग ने इस चोरी को अंजाम दिया। इस गैंग ने पूरी की पूरी एक कंक्रीट की दीवार को ड्रिल किया और फिर वहां से पैसे चोरी किए। डिपॉजिट के अंदर एंट्री करने के लिए इन चोरों ने दीवार को इंडस्ट्रियल ड्रिलर से काटा और उसमें 14 मिलियन पाउंड निकाल लिए। इन चोरों ने चोरी को अंजाम अप्रैल के टाइम दिया जब यूके के सारे बैंक हॉलीडेज पर होते हैं। इनका प्लान पक्का था और सफल भी हुआ। चोरों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, चोर भी एक टैलेंट है और अगर ऐसे हो तो सही से टैलेंट ही माना जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जो कि मैं जानता हूं आई है,
बिना भूले भटके बटन को दबा दो, क्योंकि आप जानते हैं ना, आपका लाइक हमारे लिए वोट की तरह होता है। वोट देना कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।